हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम किसी उदाहरण या एक्टिविटी से ना करके बल्कि एक ऐसी कहानी से करेंगे जिसने विज्ञान को देखने की परिभाषा ही बदल दी। हुआ यूं कि धातु के तार से जब करंट प्रवाहित हुआ तो पास रखे कंपास में एक तरह का विक्षेप या डिफ्लेक्शन नजर आया। तब ऑरेस्टेड को महसूस हुआ कि विद्युत भी अपने आसपास की जगह पर चुंबकीय प्रभाव डालती है। ये चुंबकीय प्रभाव कैसा होता है? क्या ये विद्युत धारा के साथ बढ़ता और घटता है या हमेशा स्थिर रहता है? क्या ये चुंबकीय प्रभाव चुंबक की ही तरह होता है या उससे अलग? आज की वीडियो में ऐसे ही सवालों पर जोर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये छोटा सा गोल दिखने वाला उपकरण क्या होता है। इस उपकरण को दिक्सूचक या इंग्लिश में मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, जिसका उपयोग पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जानने के लिए किया जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक बड़ी चुंबक की तरह कार्य करती है, जिसके बारे में आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। साथ ही इस कंपास का उपयोग दिशा बताने के लिए भी किया जाता है। इस चुंबक की सुई सिर्फ एक साधारण चुंबक की ही तरह होती है, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल को लाल रंग से अंकित किया जाता है और इस बिंदु की तरफ की सुई भौगोलिक नॉर्थ पोल की ओर की दिशा बताती है। जैसा कि हमने बात की, ये सुई एक चुंबक होती है। यदि इस कंपास के पास एक बार मैग्नेट को लाया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही समझे, या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित। यदि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपास के पास लाया जाए तो वह कंपास के साउथ पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसी तरह बार मैग्नेट का साउथ पोल कंपास के नॉर्थ पोल को। अब ऑरेस्टेड के संयोग को प्रयोग की तरह करके समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए हमें एक बैटरी, एक मोटा कॉपर का तार, एक कंपास और कुछ कनेक्टिंग तारों की आवश्यकता होगी। बैटरी को तारों के जरिए स्विच से होते हुए कॉपर के तार के दोनों सिरों से जोड़ दिया जाए। कॉपर के तार के ऊपर कंपास को इस तरह रखें कि कंपास की सुई और कॉपर का तार समांतर हो। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, हमें कंपास की सुई में एक डिफ्लेक्शन नजर आता है, ठीक वैसे ही डिफ्लेक्शन जैसे बार मैग्नेट के केस में नजर आया था। बार मैग्नेट और विद्युत धारित तार को हम एक समान मान सकते हैं, और ये कहना उचित होगा कि विद्युत का भी उसके आसपास के क्षेत्र पर चुंबकीय प्रभाव पड़ता है। यदि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है तो चुंबक की ही तरह उसका कोई चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं भी होगी। इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। यदि इसी सर्किट में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो क्या होगा? सुई का डिफ्लेक्शन दूसरी दिशा में होगा, जिसका मतलब है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदल जाती है। रेखाओं की दिशा को जानने के लिए और इस प्रयोग में थोड़ा बदलाव करना होगा। सर्किट पहले केस में लेटा हुआ था, उसे हम सीधा खड़ा कर देंगे। एक एमिटर को सीरीज में लगाने के साथ साथ कॉपर के तार पर एक कार्डबोर्ड का चौकोर टुकड़ा किसी लकड़ी की मदद से सटा दे और उस कार्डबोर्ड पर लोहे का चूरा डाल दे। स्विच ऑन करने और कार्डबोर्ड को 2-3 बार धक्की देने के बाद हमें चूरे में एक गोल सा पैटर्न बनता नजर आएगा, और ये पैटर्न और कुछ नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इनकी दिशा ज्ञात करने के लिए एक कंपास को कार्डबोर्ड पर रखे नॉर्थ की तरफ की सुई क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी। तो ये सिद्ध होता है कि सीधे चालक या स्ट्रेट कंडक्टर में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है। यदि विद्युत धारा को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? विद्युत धारा बढ़ने से सुई में विक्षेपण भी बढ़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नीट्यूड या परिमाण में भी वृद्धि होगी। साथ ही विद्युत धारा की दिशा बदलने से भी रेखाओं की दिशा बदल जाएगी।
हमने विद्युत धारा को बढ़ाने और घटाने के साथ उसकी दिशा बदलकर तो देख लिया, लेकिन क्या तार के साइज का भी चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा? चलिए कॉपर का थोड़ा और मोटा तार लेके देखते हैं। अरे ये क्या, तार की मोटाई बढ़ाने से डिफ्लेक्शन और बढ़ गई। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नीट्यूड भी बढ़ गई है। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी बातों और तथ्यों को जान लिया है जिन्हें ज्यादा समय तक याद रखने में दिक्कत होगी। चलो इस दिक्कत को भी राइट हैंड थंब रूल से दूर कर देते हैं। यदि हमें तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे? रूल ये कहता है कि मान लीजिए आपने अपने दाहिने हाथ में एक तार पकड़ा हुआ है, तो अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी और घूमती हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को। चलिए जो आज देखा उसे जाने से पहले एक बार फिर जान लेते हैं। कोई भी विद्युत धारी चालक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। विद्युत धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तार की मोटाई बढ़ाने या घटाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता एवं घटता है। आने वाली वीडियो में हम विद्युत और चुंबक से चलने वाले उपकरणों के बारे में जानेंगे।